एमपी के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बार फिर बीजेपी ने सभी को चौंकाया है। किसी पुराने चेहरे की जगह पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाते हुए प्रदेश की कमान पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन यादव को दी है। एमपी के नए मुख्यमंत्री अब डॉक्टर मोहन यादव होंगे। एमपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी संघर्ष के बाद राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्थापित नेताओं में से एक है। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में भी उनकी गिनती होती है। संघ के करीबी और क्षेत्र में पकड़ होने के साथ साथ सीनियर नेताओं से बेहतर तालमेल होने के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा जताया है। ओबीसी चेहरा और साफ छवि होने का भी पूरा फायदा मोहन यादव को मिला है। वे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर मोहन यादव का सियासी सफर। उज्जैन में 25 मार्च 1965 में मोहन यादव का जन्म हुआ था, जहां पर स्कूली शिक्षा संपन्न होने के बाद माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1982 में वे माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे। 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष बने। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। 1988 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1991 और 92 में वो परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 1993 से 95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाह और सायम भाग नगर कार्यवाह की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह भी रहे। संघ में सक्रियता की वजह से मोहन यादव को 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश समिति में उन्होंने अपनी जगह बनाई। 1998 में उन्होंने पश्चिम रेल बोर्ड के सलाहकार समिति के वे सदस्य बने। 2004 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 2013 में वे विधायक बने। 2018 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और वो चुनाव जीतने में सफल रहे। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मोहन यादव फिर से मंत्री बने। एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन में 25 मार्च 1965 में जन्म हुआ था मोहन यादव का। एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया बीजेपी ने। 3 बार के बीजेपी विधायक हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण सीट से 2023 में जीता था चुनाव। 58 साल के मोहन यादव को बनाया गया सीएम। 2020 में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्रिमंडल में भी हुए थे शामिल।